नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिन पे सभी सेविकाओं के ऊपर कार्रवाई होती है। सभी सेविकाओं पर कार्रवाई इसी कारण होती है कि बहुत सारी सेविकाओं का रजिस्टर पूरा नहीं होता है और बहुत सारी सेविकाओं का कुछ और अलग काम होता है, लेकिन जिन जिन सेविकाओं का रजिस्टर भी पूरा है और सब काम भी पूरे हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। उनसे मुख्य दो प्रश्न, दो विषय में बात होती है। अगर आप दोनों विषय नहीं बता पाती हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो इस वीडियो में आप वो जो दोनों बातें हैं वो हम जानेंगे, वो दोनों बातें क्या। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुत सारी सेविकाएं वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखती हैं, इसी कारण में वीडियो अच्छा और समझ में नहीं लगता है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगे, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी सेविकाएं भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर करेंगी। आंगनबाड़ी खबर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। सबसे पहले हम दो मुख्य बातों को जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारा पहला मुख्य बात खुल चुका है। पहला है एकत्रित बाल विकास परियोजना ICDS 6 सेवाएं। मतलब यही पूछा जाता है, 6 सेवाएं पूछेंगे। ICDS की 6 सेवाएं क्या, यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला जो सेवाएँ हैं वो है पूरक पोषण, आप देख सकती हैं पूरक पोषण। दूसरा है प्रीम स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, और तीसरा जो है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। चौथा है प्रतिक्षित, और पांचवा है स्वच्छता जांच, और छठा है रिफिल सेवाएं। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अब हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा सेवाएं। ये दूसरा है एकत्रित बाल विकास परियोजना ICDS के उद्देश्य। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, और इसी पर सबसे ज़्यादा सेविकाएँ बर्खास्त हुई हैं अपने जो आंगनबाड़ी सेविका के पद से। तो इस जो मैंने पहले बताया था वो भी आपको याद रखना है, और जो ये वाला है इसको भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला है, पढ़ते हैं हम, 0 से 6 आयु के वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। मतलब आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो इसलिए काम है 0 से 6 के आयु के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य में स्थिति में सुधार लाना, जो बच्चे हैं उनका पोषण में और स्वास्थ्य में सुधार लाना है। दूसरा है बच्चों के शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास की नींव प्रदान करना। मतलब आंगनबाड़ी सेविकाओं का दूसरा यह काम है कि बच्चों के शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास की नींव प्रदान करना। तीसरा है बच्चों की मृत्यु दर रुगणा कुपोषण और घटनाएँ कम करना। मतलब जो बच्चे की मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ चुकी हैं, आपको भी पता ही होगा। और चौथा है इसीलिए आंगनबाड़ी सेविकाएँ आंगनबाड़ी जो केंद्र है संचालित होता है कि बच्चों की मृत्यु दर को कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं का कम करना। बच्चों का स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण यही होता है, कुपोषण हो जाते हैं बच्चों को, और बहुत सारी सामान्य घटनाएँ हैं। चौथा पढ़ते हैं, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यनियोग के प्रभाव सामान्य को प्राप्त करना। पांचवा है उद्देश्य पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा के मध्य से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधित आवश्यकता की देखभाल करने का पोषण। मतलब ये पांचवा है, और जो छठा वाला है, छठा ऑप्शन है वो हम दिखाते हैं आपको। छठा ऑप्शन ये है कि 3 से 6 के बीच बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करना। मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करना 3 से 6 वाले बच्चों को। जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, ये सारी बातें हर सेविकाओं को पता होनी चाहिए, और अगर जिन जिन सेविकाओं को बात पता नहीं है तो ये जो सारे लिस्ट हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर सकती हैं, जो सारी स्क्रीनशॉट लेकर आप याद भी कर सकती हैं। और मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये इसी जो मैंने प्रश्न बताया था यही प्रश्न हर आंगनबाड़ी सेविकाओं से पूछे जाते हैं, और हर आंगनबाड़ी सेविकाई इस बात को नहीं बता पाती है, इसीलिए उन पर कार्रवाई होती है। मैं करूँगा कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मैंने पहले ही बताया था लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।